हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एमएटी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक देखते हैं रेखांकन की विधियां। रेखांकन की विधियां, देखो रेखांकन की विधियां, थोड़ा सा मैंने ये चीज टॉपिक इस वजह से उठाया कि यहाँ से क्या होता है, एक क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स लेने हैं जिससे हमारे को क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले। तो विटामिन हमने देखा, विटामिन का क्वेश्चंस हमारे को बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, तो एग्रीकल्चर में भी देखने को मिलेगा। रेखांकन की जो विधियाँ हैं उन रेखांकन की विधियों में से हमारे पास में एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे को क्या करना होता है, फ्लो ध्यान रखना होता है, फ्लो ध्यान में लेआउट करना होता है, उद्यान विन्यास करना होता है। उद्यान विन्यास में हम क्या निर्धारित करते हैं कि हम फल वृक्ष लगाएं तो किस विधि से लगाएं, कैसे लगाएं, गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए या प्लांट टू प्लांट कितनी होनी चाहिए, यही तो होता है। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना होता है, रेखांकन की विधियां हमारे को देखनी है। तो रेखांकन की विधियों के अंतर्गत सबसे पहली जो विधि है वो हम देख लेते हैं, कौन सी, वर्गाकार विधि। कौन सी विधि हमारे पास में आ गई, वर्गाकार विधि। इस वर्गाकार विधि में हमारे को क्या करना होता है, यानी सबसे पहले तो ये देखिए कि जो वर्गाकार विधि होती है सबसे सरल विधि है। क्या है, सरल, सर्वोत्तम, सरल भी है, सर्वोत्तम भी है और सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली भी है। सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि भी है। तीन चीजें हमने देखी यहाँ पर कि सबसे सरल, सर्वोत्तम और सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी आई हमारे पास में, वर्गाकार विधि। यहाँ आपको क्या करना है, दो चीज, एक चीज बतानी है, R into R बराबर P into P। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया है, बता देता हूँ। R into R का मतलब होता है Rho into Rho। Rho का मतलब हिंदी में कता, Rho का मतलब हिंदी में क्या होता है, कता। यहाँ पर आता है P, P का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट, यानी पौधे से पौधे की दूरी। तो यहाँ पर देखिए कतार से कतार की दूरी किसके बराबर है, पौधे से पौधे की दूरी के बराबर है। अब यहाँ पर दो पंक्तियों के चार पौधे होंगे और किसका निर्माण करेंगे, एक वर्ग का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये चीज आई हमारी मेरे पास में, ये चीज आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब ये भुजा और ये, यानी यहाँ पर इन दो, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी, तो वो क्या होगा, वर्ग का निर्माण होगा, यानी R into R बराबर P into P होगा। देखो यहाँ पर प्लांट लगा दिया, यहाँ पर लग गया, यहाँ पर प्लांट हो गया और यहाँ पर प्लांट आ गया। चार प्लांट मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। चारों प्लांटों के बीच में स्पेस काफी है, स्पेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। इसके मतलब इसका क्या होता है, जो कर्षण क्रिया करोगे, कर्षण क्रिया का मतलब जो भी उद्यानिकी क्रियाएं होगी, जिससे छांगना है, प्रूनिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, ये क्या होते हैं, कर्षण क्रियाएं होती है। तो कर्षण क्रियाएं करने में सरलता, कर्षण क्रियाएं करने में क्या रहती है, यहाँ पर सरलता रहती है। पहली चीज आपने देखी, चलो नंबर दो पे देखते हैं। नंबर दो के ऊपर हमारे पास में आती है आयताकार विधि। नंबर दो पे हमारे पास में कौन सी आ गई, आयताकार विधि। आयताकार में आपको कुछ भी नहीं करना चेंज, यानी जो वर्गाकार है उस वर्गाकार के बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज होगी, ये चीज इसमें क्या होगा, चेंजेस आएगा। और यहाँ पर आप ये कहोगे R into R ज्यादा किससे है, P into P से, यानी Rho into Rho की दूरी क्या होगी, प्लांट टू प्लांट से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ देखिए जैसे हम कह रहे हैं किसके लिए, मैंगो के लिए, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। जैसे हमने कहा मैंगो के लिए,
मैंगो के लिए हम प्लांट टू प्लांट कितने रखते हैं? 10 रखते हैं। कितने रखते हैं? 10 रखते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं सर? वर्गाकार में 10 × 10 यानी क्या हो जाएगा? 10 × 10 हो जाएगा। जो आयताकार होगी उस आयताकार में आपको क्या करना है? R × R जो ज्यादा रखती है, प्लांट टू प्लांट घटानी है। जैसे हमने यहाँ पर ये कहा कि 10 × 8 कितना हो जाएगा? 10 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर R × R ज्यादा है, P × P कम है। कोई दिक्कत नहीं है, कर्षण क्रिया करने में सरलता रहेगी। आगे समझ में? चल उसके बाद देखिए नंबर तीसरी विधि। तीसरी विधि हम लेते हैं त्रिभुजाकार विधि। तीसरी विधि हमारे पास में कौन सी आ गई? त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार जो विधि है उस त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है? जो भी तिरछे खेत होते हैं, क्या होते हैं? जो भी तिरछे खेत होते हैं उन तिरछे खेतों के लिए क्या होती है? त्रिभुजाकार विधि उपयुक्त रहेगी। क्यों रहेगी? देखिए यहां पर हम क्या कहते हैं कि जो पहली पंक्ति है, प्रथम पंक्ति का प्रथम पौधा P × P की आधी दूरी छोड़कर लगाते हैं, आधी दूरी छोड़कर लगाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दो पंक्तियों के तीन पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण करेंगे। दो पंक्तियों के तीन पौधे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसे कैसे? अब इसको हमारे को देखना है कैसे, तो इसका डायग्राम देखिए। जैसे आपके पास में ये पहली पंक्ति है, आ गई पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति आ गई ये, तीसरी पंक्ति आ गई ये। तो यहां पर देखिए जो ये आपकी पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का पौधा वर्गाकार में तो हम यहां पर लगाते हैं, ठीक है? ये हमारा खेत था, इस खेत के चारों तरफ हमारे को 5 मीटर दूरी तो छोड़नी है। वो तो 5 मीटर दूरी छोड़कर हम रेखांकन करते हैं, तो जो पहला पौधा वर्गाकार में तो यहाँ आया, लेकिन अब त्रिभुजाकार में यहाँ न आकर यहाँ से आप 5 मीटर दूरी छोड़ोगे, ठीक है? जैसे मैंगो के लिए मैं बात करूं, आप अलग अलग प्लांट में अलग अलग दूरी हो जाएगी। जैसे पपीता होगा, 3 ही होती है तो 3 की आधी हो जाएगी। तो मैंगो के लिए प्लांट यानी 5 मीटर दूरी हमने छोड़ दी और उसके बाद में प्लांट लगाया। ये आपकी दूसरी पंक्ति है, इसमें आपके प्लांट यहाँ आ जाएगा। जो यहाँ पर ये पहला पौधा लगा, इससे नेक्स्ट जो प्लांट होगा वो 10 मीटर दूरी पर ही होगा, ठीक है? यहाँ से जो पहला पौधा है, इससे दूसरा पौधा होगा वो 10 मीटर दूरी पर ही होगा। यानी जो कहने का मतलब, जो प्लांट टू प्लांट वाली दूरी है वो तो वर्गाकार विधि के समान ही होती है, कोई चेंजेज नहीं होता है। ओनली पहली पंक्ति में चेंजेज हो रहा है थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा क्या हुआ? यानी जो पहला प्लांट आया, वो पहला प्लांट उसकी आधी दूरी छोड़कर हमने लगाई। ये ऐसे ऐसे ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि जो त्रिभुजाकार विधि है तिरछे खेतों के लिए लाभदायक। अब तिरछे खेत कैसे? जैसे यहां पर भी इस चीज को समझ लीजिए, ये आपका खेत है, ऐसे आपका खेत है। इस खेत में आप यदि वर्गाकार विधि की विधि से पौधे लगाओगे तो वर्गाकार विधि से तो आपके यानी ऐसे ही लगा पाओगे, ठीक है? ऐसे आपने वर्गाकार विधि से लगाए। अब आगे का जो प्लांट है वो प्लांट नहीं लग पाएगा वर्गाकार में तो, लेकिन त्रिभुजाकार जो विधि है, इस त्रिभुजाकार विधि में क्या हो जाएगा? यानी आगे के प्लांट भी क्या हो जाएंगे? अच्छे से इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे ये आपका खेत था जिसके अंतर्गत यानी आपने पहले 5 मीटर की दूरी छोड़ दी थी, उसके बाद में आपको क्या करना था? यानी रेखांकन करना था। तो यहाँ पर ये पहली पंक्ति आ गई, ये दूसरी पंक्ति आ गई और ये तीसरी पंक्ति आ गई, जिससे हमने तिरछा खेत बताया है। तो यहाँ पर पहला जो पौधा आया यहाँ पर आया,
दूसरी पंक्ति का पहला पौधा यहाँ पर आया, इसके बाद में यहाँ प्लांट आ जाएगा, यहाँ प्लांट आ जाएगा, तो ऐसे आप इनको मिलाते जाओ तो क्या हो जाएगा, यानी पूरी दूरी घेरती चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या हो जाएगा, पौधे लग जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर चौथी विधि, चौथी विधि आपको देखनी है, और चौथी विधि में आपके पास में आ जाएगी कौन सी, षटभुजाकार, कौन से आ जाएगी, षटभुजाकार। षटभुजाकार जो विधि है, ये षटभुजाकार विधि जो भी आपके शहर की जो महंगी भूमियां होती हैं, उन शहर की महंगी भूमियों के लिए लाभदायक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि शहर की भूमियां क्या होती है, महंगी होती है, उनके जो भी रेट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अब हाई रेट वाली जो भी जमीन है, जो भी भूमि है, वहां पर हमारे को क्या करना है, ज्यादा सघन उद्यान लगाना है, और सघन उद्यान लगाना है तो आपको क्या करना है, षटभुजाकार विधि काम में लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लगाओगे पौधे षटभुजाकार विधि के सब वैसे ही, यानी पहली पंक्ति आई, दूसरी पंक्ति आ गई, तीसरी पंक्ति आ गई। यहाँ पर जो पहला पौधा हो रहा है वो 5 मीटर दूरी पर छोड़ के लगाया जा रहा है, उसके बाद में पूरी दूरी आ जाएगी, ऐसे प्लांट लगते चले जाएंगे, ठीक है। ये तीसरी पंक्ति आ गई, तो यहां पर आप त्रिभुजाकार में तो कह रहे हो कि दो पंक्तियों के तीन पौधे मिलकर, कितनी पंक्तियों के, दो पंक्तियों के तीन पौधे मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन षटभुजाकार जो विधि है उस षटभुजाकार विधि में क्या कह रहे हो कि तीन पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, समत्रिभुज त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समत्रिभुज त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक प्लांट, दो प्लांट, तीन प्लांट, चार प्लांट, पांच प्लांट और 6 प्लांट मिलकर एक समत्रिभुज त्रिभुज का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो 7वां प्लांट आ रहा है, इस समत्रिभुज त्रिभुज के बीच में आ रहा है, ओके। यहां तुलना करोगे आप तो तुलना आप वर्गाकार से करोगे, वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं, 15% पौधे अधिक लगती हैं। सघन रोपण, यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किस विधि में सघन रोपण होता है, तो आप क्या कहोगे, षटभुजाकार विधि में होता है। नेक्स्ट नंबर 5, कौन सी विधि, उराक, 5 भुजाकार, या पिनकांस, येलो, 3 नाम हमने देखे, उराक, 5 भुजाकार या पिनकांस, बिल्कुल वर्गाकार के समान, कोई भी चेंजेस यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा वो हम देखेंगे क्या आएगा। तो पहला जो चीज आएगी वो तो किसके समान आ जाती है, वर्गाकार के समान। कैसे आता है वर्गाकार के समान, देखो हमने वर्गाकार विधि में क्या कहा था कि दो पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, ये कहा था। ये लो, वर्ग बन गया। अब यहां पर पंचभुजाकार, नाम से पता चलेगा वर्गाकार बनाओगे, लेकिन जो 5वां पौधा आएगा वो 5वां पौधा इस वर्ग के बीच में आएगा, कहां आएगा,
इस वर्ग के बीच में आएगा, जो क्या होता है पूरक पौधा होता है। क्या होता है? पूरक पौधा होता है, यानी जिस पूरक को हम क्या कह सकते हैं, अस्थाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्थाई भी कह सकते हैं। पहले पूरक पौधा समझिए क्या होता है। तो पूरक पौधे का मतलब होता है कि अल्प समय के लिए जो लगाया गया पौधा होता है वो क्या होता है? पूरक पौधा होता है। यानी यहाँ पर ये प्लांट है चारों, ये क्या है? लंबी अवधि के पादप है, स्थाई पादप है। जैसे मैंगो, हमने क्या लगाया? मैंगो प्लांट लगाया, मैंगो का उद्यान लगाया। अब इस मैंगो के उद्यान में हमने क्या किया? जल्दी आमदनी प्राप्त करने के लिए हमने पपीता लगा दिया। क्या लगा दिया? पपीता लगा दिया। पपीता क्या होगा? ज्यादा ज्यादा साल का डेढ़ साल में क्या हो जाएगा? आमदनी दे जाएगा। और आमदनी देगा उसके बाद में स्टार्टिंग 3-4 साल तक हमारे को वहां से आमदनी प्राप्त हो गई। उसके बाद में हम क्या करते हैं? पूरा प्लांट या जो भी फिलर प्लांट्स होता है उस फिलर प्लांट्स को हटा देते हैं। फिलर प्लांट्स के रूप में एग्जाम्पल आपको बताने हैं पपीता, फालसा, केला, अनानास। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से निकलता है फिलर प्लांट्स या पूरक पौधों के रूप में किस पौधे का चयन किया जाता है, तो आप बताओगे पपीता का, फालसा का, केला का और अनानास का। यानी चार प्लांट्स हमारे को याद रखने हैं जिनमें से कोई सा भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा पपीता यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत इस विधि में क्या होता है। वर्गाकार विधि की तुलना किससे कर रहे हो? तुलना वर्गाकार विधि से कर रहे हो। वर्गाकार विधि की तुलना दो गुने, कितने? दो गुने या 80-85% पौधे अधिक लगते हैं। कितने लगते हैं? दो गुने या 80-85% पौधे अधिक लगते हैं। अब ये चीज क्यों बताई? इसका रीजन है, वैसे आप याद रखोगे दो गुने, लेकिन ये चीज आपको अभी प्लांट्स जब किलर जो भी पौधों की संख्या है वो ज्ञात करवाएंगे तब आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से आपने ये चीज बताई मैंने। एक चीज थोड़ा सा षटभुजाकार के अंतर्गत एक चीज बताना भूल गया था कि कर्षण क्रियाएं करने में क्या होता है? दुविधा होती है। क्यों होती है दुविधा? क्योंकि वहां पर क्या होता है? सघन रोपण होता है। अब सघन रोपण होगा, प्लांट से प्लांट की दूरी क्या हो जाएगी? कम होगी, बीच में यानी बाग बहुत ज्यादा घना हो जाएगा। घना हो जाएगा तो हमारे को क्या होगा? कर्षण क्रियाएं करने में दुविधा उत्पन्न होगी। ठीक है, चल उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर 6 के ऊपर कंटूर विधि। कौन सी विधि आ गई? कंटूर विधि। कंटूर को हम क्या कहते हैं? समोच्चय विधि। कंटूर को हम क्या कहते हैं? समोच्चय विधि। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगी। कौन से क्षेत्रों के लिए होगी? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगी। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब बात करें पौधों की संख्या हमारे को निकलवाना है। एक हेक्टेयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक हेक्टेयर में आम का उद्यान लगाना है कौन सी विधि के द्वारा? वर्गाकार विधि के द्वारा। तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रैक्टिकल में भी किया होगा क्वेश्चन। चल यहां देखिए पौधों की संख्या बराबर, पौधों की संख्या बराबर एरिया जाएगा यानी क्षेत्रफल। ये किस में आता है? वर्ग मीटर के अंतर्गत आता है। ओके, बटा आर इंटू पी। ये भी किसके अंतर्गत आएगी? वर्ग मीटर के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, ओ अब देखिए हम कह रहे हैं पहले निकालते हैं वर्गाकार के लिए। किसके लिए निकालते हैं? वर्गाकार के लिए। मैंने क्वेश्चन सभी आपको बोला था कि एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में
आम का उद्यान लगाना है और वो कौन सी विधि के द्वारा लगाना है, वर्गाकार विधि के द्वारा लगाना है, तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हेक्टेयर, एक हेक्टेयर का मतलब वर्ग मीटर कितने होते हैं, 10,000 होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये कह रहा है कि एरिया यानी क्षेत्रफल किसमें आ रहा है, वर्ग मीटर में आ रहा है, R/P वर्ग मीटर में आ रहा है। तो एरिया हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। नीचे आता है R/P किसके द्वारा लगा रहे हो, वर्गाकार। वर्गाकार में हम क्या कहते हैं कि R/R बराबर P/P होता है, यानी 10×10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10×10 हो जाएगी। तो ये 10×10 यहाँ पर काट दो, 10 से 10, 10 से 10 बराबर हमारे पास में कितने आ गए, 100 प्लांट आ गए। कितने प्लांट आ गए, 100 प्लांट आ गए। किस कौन सी विधि के द्वारा, वर्गाकार विधि के द्वारा। अब इसी को आप क्या करो, चेंज करोगे। अब चेंज करोगे, क्वेश्चंस में मैंने आपको ये कहा कि षटभुजाकार विधि के द्वारा पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस विधि के द्वारा, षटभुजाकार विधि के द्वारा पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यदि वर्गाकार याद है हमारे को, षटभुजाकार के पौधे हमारे को बिल्कुल ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम षटभुजाकार विधि में हमने पढ़ा था कि वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। कितने लगते हैं, 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। यहाँ 100 प्लांट ज्यादा आ रहे हैं, यानी सॉरी 100 प्लांट आ रहे हैं, 100 प्लांट का 15% मतलब 15 पौधे, यानी 100 प्लांट तो ये, और षटभुजाकार में 15% ज्यादा लग रहे थे प्लांट, 15 प्लांट हो, यानी इसका राइट आंसर हमारे पास में कितने आ गए, 115 प्लांट। कितने आ गए, 115 प्लांट आ गए। इसी के अंतर्गत हम ये अगला क्वेश्चन से ये निकलवाता है कि पंचभुजाकार विधि के द्वारा पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि के द्वारा, पंचभुजाकार विधि के द्वारा पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंचभुजाकार में आपको, आपने लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा 2 गुने या 80, मैंने मतलब लिखवाया था 80 से 85%, इसी वजह से लिखवाया था कि ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देखो दुगना करोगे वो क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्योंकि दुगने नहीं होते, वो एक लाइन पढ़ी जाती है कि दुगने पौधे। यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा पौधे लगते हैं, उस कंडीशन में ही आप क्या कहोगे, 2 गुने पौधे अधिक लगते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करवाया जाता है, क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, तो आप क्या करोगे, 80 से 85% के आधार पर ही पौधों की संख्या ज्ञात करोगे। जैसे वर्गाकार विधि में 100 प्लांट आए, इससे 100 प्लांट्स का 80 से 85% बढ़ा के चलना था, ऐसे मान लीजिए 80% बढ़ाया हमने, कितना आ गया, 180 प्लांट आ गए। तो तीनों विधियों के हमने पौधे की संख्या ज्ञात की, वर्गाकार में भी देखा, षटभुजाकार में भी देख लिया और पंचभुजाकार में भी देख लिया। आ गया समझ में, देखिए आगे यहां पर हमारे को ये कहता है कि आम की आम्रपाली वैरायटी लगानी है वर्गाकार विधि से। कौन सी विधि, कौन सी वैरायटी लगानी है, आम्रपाली वैरायटी लगानी है वर्गाकार विधि से। आम्रपाली वैरायटी लगानी है, यहां देखिए P/P कितना होता है, 2.5×2.5 होता है। आम्रपाली में कितना होता है, P/P 2.5 होता है, 2.5×2.5। तो एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, डालिए 10,000/2.5×2.5 बराबर, कुछ भी चेंज नहीं करना था, जैसा का जैसा आपका फॉर्मूला है वैसा का वैसा आपको पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पॉइंट हटाना चाहो तो यहां पर डायरेक्ट कर दीजिए, 1-0 लगा दीजिए। यहां पर पॉइंट हटाना चाहो यहां पर भी 1-0 लगा दीजिए, या 2.5×2.5 को गुणा कर दीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा, और पौधों की संख्या आपके पास निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसी
का जो जितने प्लांट आए उसका 15% बढ़ाना है, वो षटभुज आकार में आ जाएगा। फिर उसी का यानी जो वर्गाकार में आए उसी का 80-85% बढ़ाना है, वो क्या हो जाएगा, पंचभुज आकार हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे को साफ साफ एरिया मिल रहा है कि 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर, जो भी जितना हेक्टेयर है उसको आप कन्वर्ट किस में करोगे, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करोगे। वर्ग मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में आपने क्या किया, यानी आपका जो भी पी इंटू पी थी या आर इंटू आर थी वो नीचे रखा आर इंटू पी के रूप में, और उसका कैलकुलेशन हमने किया। अब यहाँ पर प्लांट टू प्लांट्स की दूरी है वो कैसे याद रखोगे, तो सभी प्लांट्स की मैं आपको प्लांट टू प्लांट्स की दूरी बता देता हूं। पौधों की दूरी या यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंगो की, उसके बाद में दूसरा ले लेता हूं मैं कटहल। मैंगो और जो कटहल है उसके लिए आप पी इंटू पी की दूरी रखोगे 10 × 10 मीटर। कितनी रखोगे, 10 × 10 मीटर। इसी आम की आम्रपाली वेराइटी है, इसी आम की आम्रपाली वेराइटी है, उसके लिए दूरी आपने रखी 2.5 × 2.5 मीटर। अगर कोई दिक्कत, नेक्स्ट देखिए, यहां हम लेते हैं आंवला। आंवला के लिए आप याद रखोगे 9 × 9 मीटर। आंवला के लिए कितनी याद रखोगे, 9 × 9 मीटर। उसके बाद हम लेते हैं अमरूद, और अमरूद के अलावा इसी के अंतर्गत हम बेर भी लेंगे। देखो बेर 6 से 8 के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, 6 से 8 के अंतर्गत आता है। मैंने इस वजह से यहाँ पर बेर लिखा है, शायद मेरे पिछली क्लास में या जो भी जहां पर मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है वहां पर ऑफलाइन में मैं हमेशा यही बताता हूँ कि बेर के लिए 6 × 6 रखी जाती है, और एक गलत भी नहीं है, 6 × 6 रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 6 से 8 मीटर रखी जाती है। कितने रखी जाती है, 6 से 8 मीटर रखी जाती है, इसी वजह से मैंने बेर को यहाँ पर डाल दिया। ओके, कोई भी अब आपको प्रॉब्लम आ जाए तो एक बार थोड़ा सा मेरे को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, यदि समझ में नहीं आए क्या जो भी मैं हमारे व्हाट्सएप नंबर है उन पे आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। जो भी मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ उस ऑफलाइन क्लास में मैंने 6 × 6 मीटर ही पढ़ाया था, लेकिन यहाँ मैंने आपको 6 से 8 मीटर बता रहा हूँ मैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ 8 के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ, यानी 6 से 8 मीटर रखी जाती है, तो यहाँ भी हम ले सकते हैं इसको याद रखना। तो यहाँ पर अमरूद के लिए क्या, अमरूद और बेर के लिए क्या कह देते हैं, 8 × 8 मीटर, क्या कह देते हैं, 8 × 8 मीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं अनार। हम हाँ इस अनार को भी थोड़ा सा और बताऊंगा, क्योंकि देखो बेटा सीधी सी बात यह है, ऑप्शन है वो ऑप्शन कैसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है वहां पर ऑप्शन आपको जो फिक्स है वो ऑप्शन ये है, उसका नजदीकी ऑप्शन भी आ सकता है, तो गलत नहीं करना है। तभी तो कह रहा हूं कि अनार को भी बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक बार आप देखिए अनार आ गया, नींबू वर्गीय आ गया, नींबू आ गया, माल्टा आ गया, संतरा आ गया, अनार नींबू वर्गीय, खजूर, फिर ले लेते हैं इसके अंतर्गत अपने क्या हो गया, बेलपत्र। हालांकि बेलपत्र में भी 8 से 10 वाला रखा जाता है, तो बेलपत्र यहां मत लो आप, तो क्योंकि बेलपत्र लोगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अनार हो गया, नींबू वर्गीय हो गए, खजूर हो गया, बेर के बारे में बताई दिया है, यहां रखी जाएगी 6 × 6 मीटर। कितनी रखी जाएगी, 6 × 6 मीटर रखी जाएगी, ठीक है। अब यहां देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको ये कहा था अनार के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है, अनार के लिए हम 5 × 5 मीटर दूरी भी रख सकते हैं।
कितनी रख सकते हैं, 5 × 5 मीटर की दूरी भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने बताया आपको 6 × 6 मीटर में। देखो बेटा कभी भी ऑप्शंस ये नहीं हो सकता कि 3 × 3 मीटर, 4 × 4 मीटर, 5 × 5 मीटर और 6 × 6 मीटर, ऐसे तो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन या तो आएगा आपके 3 × 3 मीटर का, या ऑप्शन आएगा 5 × 5 मीटर का। अब यहाँ पर 5 × 5 का आता है तो 6 वाला नहीं आएगा, यदि 5 × 5 का नहीं आता है तो 6 × 6 का आएगा, फिर ऑप्शन आपके पास में आएगा 8 × 8 मीटर का, फिर ऑप्शन आएगा आपके पास में 9 × 9 या 10 × 10 मीटर का। तो कभी भी नजदीक ऑप्शन नहीं होगा कि 5 और 6 दोनों आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चनों में। मानता हूँ नजदीकी क्वेश्चन ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में इतने नजदीकी ऑप्शन नहीं होते। तो अनार के लिए हमने देखा 5 × 5 मीटर, ओके। नेक्स्ट देखिए पपीता, फालसा, केला, पपीता, फालसा, केला, अनानास, इनके लिए जो प्लांट टू प्लांट है वो रखी जाएगी 3 × 3 मीटर। कितनी रखी जाएगी? 3 × 3 मीटर रखी जाएगी। यहां देखिए पपीता में वैरायटी पढ़ते हैं कौन सी, पूषा नन्ना। कौन सी वैरायटी पढ़ते हैं? पूषा नन्ना वैरायटी पढ़ते हैं। पूषा जो नन्ना है उस पूषा नन्ना वैरायटी के लिए हम रखते हैं 1.5 × 1.5 मीटर। यहां दूसरी चीज भी रख सकते हैं 1.25 × 1.25 मीटर। जरूरी नहीं है दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन भी आ सकता है, यानी 1.5 वाला भी आ सकता है और 1.25 का ऑप्शन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नन्ना के लिए आप याद रखोगे 1.25 × 1.25 मीटर। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं गड्ढों का आकार। हमारे को क्या देखना है नेक्स्ट? गड्ढों का आकार। अब देखो जो गड्ढों का आकार है वो भी हमने जो अभी पढ़ी थी वो जो चीज उसके अंतर्गत याद रखेंगे, यानी प्लांट टू प्लांट के आधार पर याद रखेंगे। अब कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर मैंने आम और कटहल पढ़ाया था, तो वहां पर मैं भी तो कह सकता हूँ कि बड़े फल वृक्ष। आम और कटहल के लिए क्या कह सकता हूँ? बड़े फल वृक्ष कहता हूँ, कह सकता हूँ। उसके बाद में जो मैंने आपको पढ़ाया था नींबू वर्गीय फल, और जिसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया था आपको खजूर, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाया था अनार, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं? मध्यम फल वृक्ष। और उसके बाद में यहाँ पर पढ़ाया पपीता, फालसा, केला, अनानास, उनके लिए हम कह सकते हैं छोटे फल वृक्ष। उनको हम क्या कह देते हैं? छोटे फल वृक्ष कह देते हैं, ठीक है? ये आ गए। तो जो भी बड़े फल वृक्ष हैं जैसे आम, कटहल और आंवला, क्योंकि आंवला भी क्या होता है 9 × 9 में आता है, बड़ा ही माना जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स के लिए जो गड्ढा होगा वो गड्ढा हमारे को खोदना होगा कितना? 1 × 1 × 1 मीटर। यानी गड्ढे का आकार रखा है यहाँ पर हमने 1 × 1 × 1 मीटर। जो मध्यम फल वृक्ष है उन मध्यम फल वृक्ष के लिए गड्ढे का आकार होगा 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर। और उसके बाद में हमने देखा छोटे फल वृक्ष, छोटे फल वृक्ष के अंतर्गत जो गड्ढे का आकार होता है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो कुछ जो भी आपकी सीनियर बुक है उसमें यदि हम बात करें गड्ढों का आकार, तो फल वृक्षों के अंतर्गत अलग अलग गड्ढे का आकार भी दे रखा है, किसी में 40 सेंटीमीटर भी दे रखा है। तो वहां पर वो कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं माइंड में उस चीज को घर कर जाओ आपके कि सर हमारे वहां पर ये दे रखा है, हमारे को वहां पर ये दे रखा है, नहीं ऐसा कोई चीज नहीं आएगी। आपके पास में यही चीज आएगी 1 × 1 मीटर, 75 × 75 सेंटीमीटर और 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर, यही गड्ढे का आकार होगा। ये तीन गड्ढे के आकार के अलावा चौथा आपका गड्ढे का आकार नहीं होगा। हमने क्या किए? अब देखो यहाँ पर गड्ढे इतने आकार के खोदेंगे, कब खोदें इस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो गड्ढे खोदने का समय,
यानी गड्ढे तैयार करने का समय। गड्ढे तैयार करने का समय, गड्ढे तैयार करने का समय पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, पौधारोपण का समय याद रखना होगा। यदि पौधारोपण का समय याद है, गड्ढे को तैयार करने का समय अपने आप ही तैयार हो जाएगा। पौधारोपण आप करोगे वर्ष में दो बार, कितने करोगे वर्ष में दो बार। यहाँ हम कहते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का मतलब जुलाई अगस्त। वर्षा ऋतु के लिए आप क्या कहोगे, जुलाई अगस्त। और दूसरा आपके आता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के लिए आप कहोगे फरवरी मार्च। ये दो समय आपके पास में आएंगे गड्ढे तैयार करने यानी पौधारोपण का। अब यहाँ पर जो सदाबहार पौधे होते हैं वो सदाबहार पौधे हम कब लगाएंगे, वर्षा ऋतु में लगाएंगे। और जो पतझड़ी पौधे होते हैं वो पतझड़ी बोल दो, पर्णपाती बोल दो, वो कौन सी ऋतु में लगाएंगे, बसंत ऋतु में लगाएंगे। यहाँ देखिए पौधारोपण का समय आ गया, गड्ढे तैयार करने का समय अपने आप ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे को पौधारोपण के लगभग एक से डेढ़ महीने पहले गड्ढे तैयार करने हैं। कितने समय पहले करने हैं, लगभग एक से डेढ़ महीने पहले, या दो महीने का समय भी ज्यादा ज्यादा हो सकता है। ऐसे भी कह सकते हो कि एक से दो माह पहले हमारे को गड्ढे खोदने हैं। वर्षा ऋतु में पौधे लगा रहे हो जुलाई में, कब लगा रहे हो, जुलाई में लगा रहे हो, जुलाई अगस्त में। तो आपको यहाँ पर वर्षा ऋतु वाले जो पौधे हैं उन वर्षा ऋतु वाले पौधों के लिए गड्ढे आपको कब तैयार करने हैं, मई जून में तैयार करने हैं। कब तैयार करने हैं, मई जून में तैयार करने हैं। बसंत ऋतु वाले जो पौधे हैं उन बसंत ऋतु वाले पौधों को लगाने का जो समय है हमारे पास में वो क्या आया, फरवरी मार्च। फरवरी मार्च आया, यहाँ पर आप क्या रखोगे, दिसंबर और जनवरी का महीना रखोगे। यानी जो गड्ढे तैयार करोगे वो गड्ढे आप कब तैयार करोगे, दिसंबर जनवरी माह में आप तैयार करोगे। यानी ये हमारे पास में पतझड़ी जो भी है या पर्णपाती जो पौधे हैं उनको लगाने के लिए समय था फरवरी मार्च, गड्ढे हमने तैयार किए दिसंबर जनवरी माह में। हम क्या करते हैं, यानी जो भी आपके उपयुक्त समय बताया वर्षा ऋतु वाले पौधों के लिए मई जून में गड्ढे तैयार कर रहे हैं, तो मई जून में हम क्या करते हैं, गड्ढा तैयार करते हैं। गड्ढा तैयार करने के बाद में उसको खुला छोड़ देते हैं, 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं, यानी धूप में उसको डायरेक्ट कि धूप जाए उस गड्ढे में। उसके बाद में हम क्या, हमारे को क्या करना होता है, गड्ढा वापस पुनः भरना होता है किसके साथ में। तो हमारे को देखो यहाँ पर एक चीज तो आप रखोगे, जो मैन्यूर होता है कंपोस्ट होती है वो डालनी है। उसके अलावा इसके अंतर्गत आप क्या करोगे, फास्फेट यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालोगे और एमओपी डालोगे। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यानी कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हो या क्लोरोपाइरीफॉस डाल सकते हो, जो भी कीटनाशक है वो कीटनाशक आप कार्बोफ्यूरॉन ले लो, कोई सा भी कीटनाशक ले लो। जो खाद होगा वो खाद क्या रखा जाएगा, फल वृक्ष के आकार के आधार पर रखा जाएगा, किस आकार पर रखा जाएगा, फल वृक्ष के आकार के आधार पर रखा जाएगा। जैसे बड़ा फल वृक्ष है उसके लिए आप क्या करो, 30 केजी एफएम ले लो, उसको मिट्टी में मिलाओ और क्या करो, गड्ढे में डाल दो। 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक सुपरफास्फेट डाल सकते हो और 250 ग्राम तक उसमें क्या डाल सकते हो, एमओपी डाल सकते हो। और नेक्स्ट हमने लिया क्लोरोपाइरीफॉस या कार्बोफ्यूरॉन जो भी आप ले रहे हो कीटनाशक, उसके अंतर्गत आप 50 से 100 ग्राम तक क्विनोलफॉस भी ले सकते हो, 50 से 100 ग्राम तक लेते हैं। तो यहाँ पर हम गड्ढे तैयार किए, हमने गड्ढे तैयार करके उनको वापस पुनः भर दिया। और जैसे ही वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु में हमने क्या लगा दिए, पौधे लगा दिए। ये आपके क्या था, रेखांकन की रीतियां कंप्लीट है। जो भी आपका आज हमने जो क्लास ली, इस क्लास के अंतर्गत हमने रेखांकन की विधियां पढ़ी, गड्ढों का आकार पढ़ लिया और गड्ढों के यानी पौधे के लिए प्लांट टू प्लांट की दूरी पढ़ ली। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, जो भी बचता है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, थैंक यू।